प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने क्लास 12 के केमिस्ट्री में क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताया था कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पहला पढ़ा वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ा क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमको आज पढ़ना है क्वथनांक उन्नयन और विद्युत अनाघट के विलयन की मोललता में संबंध। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि कोई अवाष्पशील विद्युत अनाघट्य, ठीक है, यदि कोई अवाष्पशील विद्युत अनाघट्य है तो उसके क्वथनांक का उन्नयन ठीक है विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा टी बी। बताइए आपको जो डेल्टा टीबी है वह क्वथनांक का उन्नयन है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो गया, स्मॉल एम। बताया गया आपको पहले कि जो मोललता होती है, मोललता को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इसका क्या हो जाएगा, ये होता है केबी एम। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो m है यह क्या है, मोललता है। डेल्टा टी बी क्वथनांक का उन्नयन और के बी क्या है, के बी जो है विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, यहां पर जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी बराबर ये होता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, एम जो है स्मॉल एम बोलता है और जो के बी इसे बोलते हैं विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो क्वथनांक उन्नयन और विद्युत अनाघट्य के विलयन की मोललता में यही संबंध है। ठीक है, कि जो डेल्टा टीबी होता है, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह जो है मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पर समान सेट रखेंगे तो यहाँ रखते हैं केबी, और जो केबी होता है वह विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना। क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना, ठीक है, तो इसमें एक सूत्र होता है, राइट हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एम बराबर होता है स्मॉल एम बराबर 1000 केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन केबी नहीं डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, यानी क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना इसी फार्मूले के द्वारा कर सकते हैं, 1000 केबी बटा केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां पर देखिए, यहां पर जो केबी है, केबी जहां केबी है वो क्या है, केबी बताया गया हमको विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, यह विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, यह विलेय का भार है। डेल्टा टी बी क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी है वह जो है क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक
ठीक है। और जो कैपिटल डब्ल्यू है, यह कैपिटल डब्ल्यू क्या है, यह है विलायक का, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है और भार की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि देखा, अच्छा जो यम है, स्मॉल यम, यह जो है यह पदार्थ का, पदार्थ का और भार है, पदार्थ का और भार, ये पदार्थ का है और पदार्थ का और भार, ठीक है। तो इससे संबंधित एक हम क्वेश्चन देखते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन क्वेश्चन है एक काल्पनिक पदार्थ के, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक कार्बनिक पदार्थ, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, के जलीय कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, का क्वथनांक उन्नयन 100 ग्राम जल में घुला है, का क्वथनांक, का क्वथनांक, का क्वथनांक 100.5 सेंटीग्रेड है, 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। पदार्थ के और भार की गणना कीजिए, पदार्थ के और भार की, पदार्थ के और भार की गणना कीजिए, ठीक है। और दिया इसमें कि जो केबी है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, केबी का मान दिया है, केबी बराबर 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र यानी स्मॉल एम बराबर क्या निकाले हम लोग, स्मॉल एम बराबर 1000 केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान क्या डेल्टा पीबी इंटू कैपिटल, ठीक है। ये पदार्थ का भार है, इसी को निकालना है, पदार्थ के अनुभाग की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिए केबी का मान दिया है, यहां पर दे दिया है केबी बराबर 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय का भार। अब देखिए 6 ग्राम और 100 ग्राम है, तो 6 ग्राम का भार तो ये विलेय हो जाएगा, आपको अधिक है वह विलायक, तो स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू हो गया 100 ग्राम दिया है 100 ग्राम। अब डेल्टा टीबी यानी ये क्या है, ये क्वथनांक का उन्नयन है। अब देखिए इसमें पानी जो है विलायक है, 100 ग्राम जल में घुला गया, जो पानी विलायक है, तो जो पानी है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री, ये 100 डिग्री होता है। लेकिन जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है तो क्या होता है, उसका क्वथनांक हो जाता है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड
105 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन कितना हो रहा है, क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड, माने जब कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो गया, ये हो गया 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी जो जल का है वह 100 है, 100 होता है, और जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाता है तो क्या होता है, क्वथनांक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, तो कितना हो गया है, जब विलेय पदार्थ जब मिला दिया है तो होता हुआ हो गया 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन इसमें कितना बढ़ा, इसमें से घटा देने के लिए निकल गया 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मान रखेंगे, अब समीकरण में मान रखने पर, तो समीकरण क्या है, यह है m इक्वल टू 1000 गुणे kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tb इंटू कैपिटल w, स्मॉल m बराबर 1000, kb का मान देखिए 0.51 डिग्री प्रति मोलल गुणे स्मॉल w है 6 ग्राम बटा डेल्टा टीबी कितना आया, तो यह 0.51, ठीक है 0.51, और ये कितना आ गया कैपिटल डब्ल्यू, ये है 100 ग्राम। ठीक है, 100 यानी ये कट गया 10 हजार, यानी पदार्थ का मोलभार कितना आया 60, यानी पदार्थ का अणुभार, यानी पदार्थ का अणु भार इसका जो कितना हो गया 67। ठीक है, तो इस तरह जो है आप सवाल को जो है हल करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बताया गया आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तीसरी प्रॉपर्टी होती है हिमांक का अवलंबन। ठीक है, यानी तीसरी प्रॉपर्टी है हिमांक का अवलंबन, हिमांक इसको हम पढ़ लेते हैं, हिमांक का अवलंबन, अवलंबन इसमें भी जो बातें हैं सारी बातें बताई जाती है आपको, ध्यान से सुन लीजिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन हिमांक का आवरण, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हिमांक किसे कहते हैं, ठीक है पहले पढ़ेंगे हिमांक। ठीक है, तो किसी द्रव का हिमांक, ठीक है किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब, ध्यान दीजिए किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, यानी किसी द्रव का वाष्प दाब, ध्यान दीजिए किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के
वाष्प दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यानी किसी द्रव का वाष्प दाब वह दाब होता है जिस पर उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे कहते हैं क्या, हिमांका और अमर। अब ध्यान दीजिए, जब किसी विलायक में, ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला जाता है, ठीक है, किसी विलायक में जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डालते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी होती है, ठीक है, उसके वाष्प दाब में कमी होती है, और जब उसके वाष्प दाब में कमी होती है तो क्या होता है, उसका हिमांक, हिमांक क्या होता है, उसका हिमांक कम हो जाता है, ठीक है। यानी वाष्प दाब जब कमी होगी, वाष्प दाब जब कम होगा तो हिमांक क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिए, यानी जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो क्या होता है, उसका वाष्प दाब कम होता है, और जब वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जो हिमांक होगा, हिमांक भी क्या हो जाएगा, हिमांक भी कम हो जाता है, उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक कम हो जाता है उसे कहेंगे हिमांक का अवनमन। जैसे मान लीजिए किसी विलायक में, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। ये बता दिया गया आपको डिटेल में, कम क्यों होता है, कम हो जाता है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है, जिससे उसका हिमांक क्या हो जाता है, जिससे उसका हिमांक क्या हो जाएगा, जिससे उसका हिमांक कम हो जाता है, ठीक है, जिससे उसका हिमांक कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई विलायक, ठीक है, यदि विलायक का वाष्प दाब है, मान लीजिए विलायक का, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे उसका हिमांक कहते हैं। यदि विलायक का T0, ठीक है, और विलेय का है कैपिटल T, ठीक है, T0 और कैपिटल T है, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, ठीक है, शुद्ध हिमांक है ना, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या है, का हिमांक, हिमांक मान लीजिए T0 है, शुद्ध विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक कितना है, T है, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0, शुद्ध विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक क्या है, T है, तो हिमांक का अवनमन, ठीक है, क्या होगा, अब देखिए पहले विलायक है तो विलयन का क्या होगा, कम होगा, तो विलायक का T0 तो विलयन का क्या होगा, विलयन का, विलायक का अधिक होगा और सब कम होगा, T0 माइनस T, ठीक
ठीक है, टी जीरो माइनस टी, और इसको हम डेल्टा टी एफ से बदल करते हैं, ठीक है, डेल्टा टी एफ यानी जो डेल्टा टी एफ होता है उसे बोलते हैं हिमांक का अवनमन, एंड डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो गया टी जीरो माइनस कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए इसके पहले में पढ़े हैं जो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती, ये भी क्या होगा, यह उसके अवनमन के समानुपाती होता है, ठीक है, अवनमन के समानुपाती यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, पी जीरो माइनस पी एस, पी जीरो माइनस पी एस, वाष्प दाब जो पी जीरो माइनस पी एस है, ठीक है, और पी जीरो माइनस पी एस पी जीरो होता है अपेक्षित अवनमन, ठीक है, और यह क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है विलेय का मोल प्रभार, ठीक है, सब पता चल गया पहले आपको, यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो गया, ये हो गया विलेय का मोल प्रभार, ठीक है, समानुपाती हो गया विलेय का मोल प्रभार। अब ध्यान दीजिए, यानी यहां विलेय का मोल प्रभार, ठीक है, तो मोल प्रभार का मतलब क्या होता है, यह प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है, मोल प्रभार अणुओं की संख्या पर, ठीक है, अणुओं की संख्या पर, यानी जो है यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए जो हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन वह कैसी प्रॉपर्टी है, वह एक कालीगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहां से बात सुन लीजिए, हिमांक का अवनमन, तो हिमांक किसे कहते हैं, इसे बताएंगे आपको कि किसी द्रव का वाता, किसी द्रव का वाष्प दाब यदि किसी द्रव का वाष्प दाब वह दाब है जिस पर उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है, किसी द्रव का हिमांक, तो सारी गलत हो गया, किसी द्रव का हिमांक, ठीक है, सॉरी ध्यान से देखिए बराबर, किसी द्रव का हिमांक, हिमांक का अवनमन, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पहले आपको बता दिया गया है कि यदि कोई विलायक है उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी होती है, यह सब डिटेल में बता दिया गया है, वाष्प दाब में कमी होगी तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वाष्प दाब में कमी के कारण क्या होता है, उसका हिमांक भी क्या होता है, कम होता है, तो जो हिमांक कम होता है उसे कहते हैं हिमांक का अवनमन। मान लीजिए आप यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिससे उसका हिमांक क्या होगा, हिमांक भी कम हो जाएगा, ठीक है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक मान लीजिए टी जीरो है, शुद्ध विलायक का हिमांक टी जीरो और विलेय का हिमांक क्या है, कितना है, कैपिटल टी। अब देखिए, तो विलायक का अधिक होगा कि विलेय का, तो जो विलायक है विलायक का अधिक होगा और विलेय का क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि क्या होता है उसमें कमी होती है, तो हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा, ये टी जीरो अधिक है जब टी जीरो माइनस टी, ठीक है। अब जो टी जीरो माइनस टी है हिमांक का अवनमन, इसको डेल्टा टी एफ से बता सकते हैं, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो गया टी जीरो माइनस टी, ठीक है। अब देखिए, आपको इसके पहले बताया गया था क्वथनांक के उन्नयन में कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है, वह क्या है, वह वाष्प दाब के समानुपाती, तो जो डेल्टा टी एफ होता है यह भी वाष्प दाब के समानुपाती होता है, और यह क्या होता है, विलेय का मोल प्रभार के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती विलेय का मोल प्रभार, और मोल प्रभार का मतलब क्या है, मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या से मतलब है, यानी यह क्या हो गया, यह एक कालीगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जो बताया गया उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और अपना काम करिए, धन्यवाद।